चिंगारी आजादी की सुलगी मेरे जश्न में है, इंकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में है, मौत जहां जन्नत हो ये बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। ये चंद लाइने चंद्रशेखर आजाद की पूर्ण तिथि पर सटीक बैठती। ये वो जाबाज था जिसने भारत माता के लिए और भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति अपने वचनबद्ध तरीके से दी। यह एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने भारत पर जन्म लेकर भारत पर उपकार किया और हम सभी पर उपकार किया। एक ऐसा युवा, एक ऐसा नौजवान जिसके जीवन से बहुत कुछ सीख मिलती है। इन्होंने एक बात कही थी, देश पर जिसका खून न खोले खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। ये चंद्रशेखर आजाद की का व्यक्तित्व था, ये चंद्रशेखर आजाद का कर्म था। इसी तरह की जवानी थी उनकी, देश के लिए न्यौछावर करने वाली जवानी, देश के लिए कुछ कर गुजरने वाली जवानी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक एवं लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी एवं माता का नाम जगरानी देवी था। उनके पिता बेहद ईमानदार, स्वाभिमानी और साहसी और वचन के पक्के थे। यही गुण चंद्रशेखर के अंदर भी था, ये उनको विरासत में मिला था। आइए हम जानते हैं उनके जीवन की कुछ दास्तान। चंद्रशेखर आजाद 14 वर्ष की आयु में बनारस गए और वहां संस्कृत की पाठशाला में पढ़ाई की। वहां उन्होंने कानून भंग आंदोलन में योगदान दिया। 1920-21 के वर्षों में वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से काफी प्रभावित हुए, वे जुड़ गए इस आंदोलन से। और जब वे जुड़े तो 1921 के आंदोलन के समय ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जज के सामने जब उन्हें प्रस्तुत किया गया तब उन्होंने देखिए अपने जाबाज राष्ट्रभक्त के रूप में जब उनसे नाम पूछा गया तो उन्होंने नाम बताया आजाद, पिता का नाम बताया स्वतंत्रता और जेल बताया अपना निवास। उन्हें 15 कोड़ों की सजा सुनाई गई। वो 15 कोड़े मामूली नहीं थे, ऐसे ऐसे कोड़े थे जिसे पानी में भिगो कर रखा जाता था और जब बदन पे मारा जाता था तब चमड़ी उखड़ जाती थी और घाव 6 महीने तक भरते रहते। ऐसे कोड़ों से वार किया जाता था। उन 15 कोड़ों की सजा मिली थी चंद्रशेखर आजाद। हर कोड़े के वार के साथ उन्होंने वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय की घोष के बुलंद नारे लगाए थे। व प्रहार भारत माता की जय, वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय के साथ। इसके बाद वे सार्वजनिक रूप से आजाद कहलाए। जब क्रांतिकारी आंदोलन उग्र हुआ तब आजाद उस समय उस तरफ खींचे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी से जुड़े। रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में आजाद ने काकोरी षड्यंत्र में सक्रिय भाग लिया और पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गए थे। 1925 की बात है, 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु ने शाम के समय लाहौर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को घेर लिया और जो ही जेपी सैंडर्स अपने अंगरक्षक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ कर निकले तो राजगुरु ने पहली गोली दाग दी जो सैंडर्स के माथे पर लग गई और मोटरसाइकिल से नीचे गिर गई। फिर भगत सिंह ने आगे बढ़कर 4 से 6 गोली दाग कर उसे बिल्कुल ठंडा कर दिया, यानी मार गिराया। जब सैंडर्स के अंगरक्षक ने उनका पीछा किया तो चंद्रशेखर ने अपनी गोली से उसे भी समाप्त कर दिया। ये था राष्ट्रभक्त चंद्रशेखर आजाद के जीवन का। साथ साथ ये भी जान लीजिए, इतना ही नहीं, जब उनका जीवन का जो सलीका था वो थमा नहीं, ये आग ये ऊर्जा थमी नहीं। इतना ही नहीं, लाहौर में जब जगह जगह पर्चे चिपका दिए गए थे
जिन पर लिखा था लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया है, उसमें साफ तौर पर दर्शाया और संकेत था सैंडर्स की मौत का। उनके इस कदम को समस्त भारत के क्रांतिकारियों में खूब सराहा गया। अल्फ्रेड पार्क की वो घटना याद आती है तो लगता है कि कहीं ना कहीं वो घटना ना होती तो आजादी बहुत पहले ही प्राप्त हो चुकी होती। अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद 1931 में उन्होंने रूस की बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर समाजवादी क्रांति का आह्वान किया। उन्होंने संकल्प किया था कि वे न कभी पकड़े जाएंगे और न ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे सकेगी। इस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने 27 फरवरी 1931 को इसी पार्क में स्वयं को गोली मारकर मातृभूमि के लिए प्राण आहुति दी। ऐसे वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म आपको पहले ही बता चुका हूं, आजाद नगर जो भावरा पहले था आजाद नगर जाना जाता है। चंद्रशेखर आजाद नेहरू से मिलकर निकले थे, लेकिन जैसे ही नेहरू से मिलकर निकले इस पार्क में वो बैठे थे राजगुरु जी के साथ, और राजगुरु जी के साथ वो बैठकर चर्चा कर रहे थे आगे के विषय की। उतने में पुलिस वालों ने घेर लिया और उन्होंने घेरने के साथ उनसे मोर्चा लिया और अंतिम जब गोली बची राजगुरु को तो उन्होंने बचाकर वहां से भगा दिया था, लेकिन अंतिम गोली जब बची तो उन्होंने अंग्रेजों की गोली से मरने से अच्छा से मरना स्वाभिमान से और राष्ट्रभक्त के रूप में हंसते हंसते देश के निरक्षा उनकी जन्म और उनके हमारे इस भारत भूमि पर उनका कर्म निश्चित रूप से हम सभी के लिए ऊर्जावान तरीके से याद किया जाए। ऐसे ही शहीदों को याद करके ही तो अपने भारत भूमि की रक्षा और सुरक्षा आज भी आगे और राष्ट्रभक्त शब्द गर्व से बुलंद करते हुए राष्ट्रभक्त शब्द का नाम और भारत माता और वंदे मातरम की जय शब्द। जय हिंद, जय भारत।